हेलो दोस्तों, मैं एक्सम अटेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। जैसे फ्रेंड आप सबको पता है अपन राजस्थान से चुक जाम और जितने भी अपकमिंग से चुक जाम है उनके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। इससे पिछले वाली क्लास में अपन लोगों ने जो की पॉइंट है उनके ऊपर बात की थी, तो उनके पॉइंट में से हर एक लाइन में से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो आप उस क्लास को विजिट नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो क्लास आप विजिट कर ले। उसके अलावा जितनी भी जो सीएचओ एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो अपनी क्लासेस हुई है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से भी जाकर आप वो क्लासेस भी विजिट कर सकते हैं। देन आज की अपन बात करें तो आज से अपन स्टार्ट करें अपने जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको अपन बात करेंगे। आज से अपन पर डे एक जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के अपनी जो कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी मीजल्स। तो मीजल्स की अगर अपन बात कर लेते हैं तो मीजल्स से आपको जिस जिस लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बोर्ड लाइन में आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हर एक लाइन को आपको गौर से सुनना है, अगर इसके नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मीजल्स को अपन किस नाम से जानते हैं। तो मीजल्स को अपन जानते हैं रूबियोला नाम से। मीजल्स को किस नाम से जाना जाता है? रूबियोला नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज होते ना, रूबेला अलग है रूबियोला अलग है। जो मीजल्स होता है उसको रूबियोला नाम से जानते हैं, जो रूबेला होता है उसको जर्मन मीजल्स के नाम से अपन जानते हैं। अब जो अपन अदम जो अनदर नेम है वो याद देने का मेन रीजन ये हो जाता है कि आपको पूछ ले जा सकता है जैसे कॉपरिक स्पॉट जो आपको मीजल्स में देखने को मिलेंगे आगे अपन डिस्कस करेंगे, या 3CS साइन है जो आपको मीजल्स में देखने को मिलते हैं अपन आगे बात करेंगे वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन को पूछ जाता है 3CS साइन है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं, वहां पर ऑप्शन में आपको मिजल्स देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद के साथ ये तो मिजल्स के अंदर है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको मिजल्स देखने को नहीं मिलेगा तो नाम से गलत हो जाएगा। लेकिन आपको वहां पर रूबियोला देखने को मिल सकता है तो आपको अदर नेम भी याद रखना चाहिए। तो मिजल्स का अदर नेम क्या होता है? वो होता है आपका रूबियोला। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके पॉजिटिव एजेंट से कि पॉजिटिव एजेंट है वो रूबियोला का या मिजल्स का क्या होता है। जो मोरबिलो वायरस है वो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो देखने को मिलेगा, जो पैरामीजो वेरिडेस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो मोरबिडो वायरस मोरबिली जो वायरस है वो आपको इसका पॉजिटिव एजेंट रहेगा जो पैरामिक्सो वेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। देन अगर अपन बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मीजल्स का वो कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वह समय होता है जब माइक्रोजम आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया या कोई भी माइक्रोजम अपनी बॉडी के अंदर चला गया, फिर जिस दिन गया उस दिन से लेकर जिस दिन वो अपने साइन सिम्टम्स अपीयर कर रहा है इस बीच के समय को अपन क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। जब वो फर्स्ट साइन अपीयर करता है तब तक का, तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, देन आता है अपना आइसोलेशन कि जो मिजल्स का पेशेंट है उसको आप आइसोलेट कितने दिनों तक करोगे, तो 7 डेज के अंदर। अब यहां से दो क्वेश्चन आपको निकल के आते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। तो आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन वह टेक्निक है जिसके अंदर इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से अलग किया जाता है कि डिजीज को स्प्रेड ना हो जाए, आया समझे। और क्वारंटाइन वो टेक्निक होती है जिसके अंदर सस्पेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से अलग किया जाता है। यानी जब मेरे को मान लो कि मैं किसी कोविड पर्सन के कॉन्टेक्ट में चला गया, अब डाउट है कि भाई मेरे को भी कोविड हो सकता है, तो मेरे को क्या किया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो कोविड का पॉजिटिव पेशेंट था उसको क्या किया जाएगा, उसको आइसोलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड कि जो मीजल्स होता है उसका कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है। कम्युनिकेबल पीरियड की बात की तो कम्युनिकेबल पीरियड वह समय होता है जिसके अंदर डिजीज है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में सेपरेट यानी स्प्रेड है वो हो सकती है। तो जो मीजल्स का कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो होता है 4 डे बिफोर और 4 डे आफ्टर अपियरिंग रेसेस। यानी रेसेस अपियर हो रहे हैं उसे 4 दिन पहले, ऐसे अपेयर होने से 4 दिन पहले और ऐसे अपेयर होने के 4 दिन बाद में जो मीजल्स है वो कम्युनिकेबिलिटी अपनी ज्यादा अपेयर करता है, 1% से 2% में स्प्रेड हो सकता है। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन तो नेक्स्ट आता है स्टेजेस कि जो मीजल्स की स्टेजेस कितनी होती है। तो फर्स्ट स्टेज आती है आपकी प्रोडोर्मल स्टेज। प्रोडोर्मल स्टेज से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से समझ लेना फ्रेंड आप इसको। जो प्रोडोर्मल स्टेज होती है फर्स्ट उसमें देखने को मिलता है आपको 3CS। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3CS को कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है या 3CS के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट अपन इंक्लूड करते हैं कोरेजा, कंजिवाइटिस और कफिंग यानी कफ। तो कोरेजा का मतलब होता है रनिंग नोज, तो अपन ये तीनों चीज है वो 3CS के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। देन जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉपलिक स्पॉट से कि कॉपलिक स्पॉट क्या है। तो कॉपलिक स्पॉट होता है वो स्मॉल व्हाइटिस जो स्पॉट है वो होते हैं जो आपके बकल म्यूकोसा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके मीजल्स है उसका क्या होता है,
एल्डियल साइन होता है मिजल्स का आपका एल्डियल यानी जल्दी सबसे पहले जो दिखने वाला साइन होता है कि एल्डियल अपने प्रोडोमिनल स्ट्रेस के अंदर ही अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपिंग स्पॉट देखने को किस में थे इमेज, तो आप इमेज देख लेते हैं। तो इमेज में आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, कॉपिंग स्पॉट जो आपके बक्कल म्यूकोसा के अंदर यानी अपने माउथ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। देन अगर अपन बात करें इरेटिव फेज, तो इरेटिव फेज के अंदर आपको कोई डाउट नहीं लेना है, इरेटिव फेज के अंदर इतना ही है कि इरेटिव फेज के अंदर जो रेसेस होते हैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ईयर के पीछे आपको देखने को बिहाइंड द ईयर देखने को मिलेंगे, फिर आपके फेस के ऊपर नेक के ऊपर और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट के अंदर आपको स्प्रेड होने को देखेंगे। फिर देन सेकेंड डे क्या होगा, जो आपके रेसेस थे जो आपके ईयर के पीछे आए थे, माउथ के ऊपर आए थे, नेक के ऊपर आए थे, वो आपके रेसेस है सेकेंड डे आपके लिम्ब के ऊपर और आपकी बॉडी के अंदर है वो जल्दी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, रिलेटिव पीरियड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेसेस आर फाउंड बिहाइंड द ईयर एंड इन द सेंटर ऑफ द फेस स्प्रेड रेपिडली ओवर द फेस ईयर फेस नेक और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बताया। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब और फिर उसके अंदर अपनी जो बॉडी है उसके अंदर स्प्रेड आपको देखने को मिलेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लिकेशन, कि मिजल्स के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो मिजल्स के कॉम्प्लिकेशन मिजल्स से अपनी याद करेंगे, तो एम का मतलब होता है मायोकार्डियाइटिस, ई का मतलब होता है एनसेफेलाइटिस, ए का मतलब होता है अपेंडाइटिस, एस का मतलब होता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेंसिफेलाइटिस, और एल का मतलब होता है लेनिंजाइटिस, ई का मतलब होता है एर्ली डेथ और एस का मतलब होता है स्टिक्स यानी डायरिया। तो ये आपके जो मिजल्स है उसके आपको कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आपके इसके जो SSP सिंड्रोम है उससे बहुत बार क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके कुछ MCQ आते हैं, तो MCQ बात कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ क्या कह रहा है, द 3 CS कंसर्ट द मिजल्स आर, कि जो 3 CS है मिजल्स के अंदर अपन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट है कफ साइनोसिस चोकिंग, कफ क्रेजा और कंजाइटिस, कफ क्रेजा चोकिंग कफ साइनोसिस और कंजाइटिस। तो मैंने बताया था कि जो 3 CS है उस 3 CS है उसका मतलब क्या होता है, कफ होता है आपका, कंजाइटिस होता है और क्रेजा आपका होता है जो आपका रनिंग नोज होता है। तो अपना ये किस में देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन है बी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। देन अगर अपन बात करें कि कॉपलिक स्पॉट आर सीन, कि कॉपलिक स्पॉट किस में देखने को मिल रहा है, रूबेला रूबियोला टाइफॉइड या चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर आपको मिजल्स याद होगा कि मिजल्स के अंदर होता है, लेकिन मिजल्स तो आपको नाम दिए नहीं गए। अपन को बात की थी कि मिजल्स को किस नाम जानते हैं, रूबियोला नाम से भी अपन जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबियोला। तो रूबियोला का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, रूबियोला का इंक्यूबेशन 1 से 10 दिन, 30 डेज, 10 से 14 दिन या नन ऑफ दिस। तो रूबियोला का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है आपका 10 से 14 दिन है, वो आपका देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेंसेफेलाइटिस SSPE इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। अभी बात की थी कॉम्प्लिकेशन के अंदर, रूबियोला मिजल्स टाइफॉइड या चिकन पॉक्स। तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मिजल्स के अंदर है, वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर जरूर करें। फ्रेंड एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें कि हमारी क्लास आपको कैसे लगती है। कोई भी हमारी जो करेक्शन करना हो, कोई हम लोगों से कोई चेंजमेंट चाहिए, आप लोगों को जरूर कमेंट करें कि आपको हमारे के अंदर क्या क्या चेंजमेंट चाहिए। हम लोग क्लास अपने लिए नहीं बनाते, आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आपकी जो डिजायर होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस वो आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। तो आपकी जो भी क्वेरी हो वो हमें मैसेज या कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर आप अगर पर्सनली करना चाहें तो टेलीग्राम पे हमें पर्सनली मैसेज वो कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें जरूर है कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज के थ्रू हमें जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड।